बिहार सरकार के कृषि मंत्री का बयान, बदले मौसम को लेकर किसानों को हो रही परेशानी पर दिया बयान। कृषि वैज्ञानिकों से सरकार सुझाव ले रही है किसानों के फसल को बचाने को लेकर। बदलते मौसम के प्रभाव को बचाने वाले फसल को किसानों तक पहुंचाने की कोशिश है सरकार की। कई तरह के नए फसल की बीज को कृषि विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। मौसम के अनुकूल खेती के लिए बीज तैयार करने का कार्य कृषि विभाग कर रहा है। देखिए, इधर मौसम का मिजाज पिछले कई वर्षों में बहुत बदला है और उसके कारण किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। खेती करने में नई नई कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, तो हमने कृषि वैज्ञानिकों की मदद ली और उस प्रकार की जो वेराइटीज है, जो अधिक ताप सह सके, जो अधिक पानी और उसको सह सके, जो अधिक ठंड सह सके, अब पाला मार दे, आलू खत्म हो गया, ओला पड़ गया, वर्षा हो गई, ठंड बढ़ गया, आलू को पाला मार गया, उसकी खेती प्रभावित हो जाती है। ऐसी वैरायटी किसी वैज्ञानिक निकालें, पैदा करें कि वो उस ठंड को बर्दाश्त कर पाए, तो ऐसी वैरायटीज हम लोगों ने पैदा की है। इसी प्रकार से कई फसलों में हम लोगों ने धान की भी, गेहूं की भी, और खास करके बागवानी की थी, बागवानी में ज़्यादा, जैसे आम है, जैसे लीची है, सेब है, सेब की हम लोगों ने अपनी वैरायटी सबौर से पैदा की। अब आप बाज़ार में देखिए तो भागलपुर का सेब और कश्मीर के सेब में फ़र्क नहीं आप कर सकते, स्वाद में थोड़ा फर्क है लेकिन देखने में वो कश्मीर के सेब जैसा ही लगेगा, और स्वाद भी फर्क है तो एक अपने तरह का उसका एक स्वाद हुआ, उस स्वाद को भी लोग बहुत पसंद करने लगे हैं, वो बाजार में उसकी कीमत बढ़ी है। तो वैसी वैरायटीज हम लोग पैदा कर रहे हैं। मौसम के अनुकूल खेती का मतलब यही है कि मौसम जिस प्रकार का है उस प्रकार की खेती हम, उस प्रकार के बीज तैयार कर पाएँ, उस प्रकार के फसल हम उगा पाएँ जो उस मौसम के मार को भी कुछ हद तक। डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।